सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। प्रिय मित्रों, आपके सफर की धूप को कम करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आपके सफर को सुहाना बनाने की मेरी हरदम कोशिश रहती है। तो आज जो स्टोरीज लेकर हाजिर हुआ हूं, उनमें सबसे पहली स्टोरी है कि वो कौन सी घटना थी जिसके बाद दीनानाथ मंगेशकर ने लता मंगेशकर को संगीत सिखाने का निर्णय लिया। जानेंगे आज। महमूद के पिता ने महमूद को एक तोहफा दिया था, लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने बेटे से वही तोहफा वापस लेना पड़ गया। ये होगी आज की दूसरी कहानी। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा हम चले आए, दिल ने फिर याद किया, जहां हम आज याद करेंगे सिनेमाटोग्राफर और मशहूर डायरेक्टर गोविंद नहलानी को। उसके बाद रीमेड इन इंडिया में बात करेंगे विदेशी फिल्म द हार्ड वे की, और जानेंगे कि इस फिल्म को कॉपी करके कौन सी हिंदी फिल्म बनाई गई। प्रोग्राम के अंत में होगा शिमला के ललित सिंह पोखरिया का प्रश्न, जवाब मैं दूंगा। चलिए शुरू करते हैं सुहाना सफर। लता मंगेशकर के पिता प्रसिद्ध गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर ग्वालियर संगीत घराने से ताल्लुक रखते थे, दूसरों को संगीत सिखाते थे, जबकि उन्होंने अपनी बेटी लता को संगीत की बाकायदा तालीम देना शुरू नहीं किया था। पंडित दीनानाथ का एक शिष्य एक दिन रियाज कर रहा था। 5 वर्ष की बालिका लता बाहर खेल रही थी। रियाज की आवाज लता मंगेशकर के कानों तक पहुंची। खेलते खेलते अचानक लता रुक गई और भागते हुए उस कमरे में पहुंची जहां वो लड़का रियाज कर रहा था। जाके ठिठक के खड़ी हो गई, गौर से सुना और अचानक उस लड़के से कहा, देखो तुम जो गा रहे हो वो ठीक नहीं है। और उसके बाद 5 वर्ष की बालिका लता मंगेशकर ने बिल्कुल सही मुरकी लगाकर वो कंपोजिशन ज्यों की त्यों सुना दी। लता मंगेशकर जब ऐसा कर रही थी, तब तक पिता दीनानाथ मंगेशकर भी आकर चुपचाप खड़े हो गए थे और बड़े गौर से अपनी बेटी लता की सारी उस्तदगी देख रहे थे। लता मंगेशकर को जैसे ही आभास हुआ कि पिता पीछे खड़े हैं, वो शर्माकर चुप हो गई। जिसके बाद दीनानाथ मंगेशकर ने एक नजर इस छोटे उस्ताद पर डाली और फिर अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में एक इतना तगड़ा गवैया छुपा है। यह पहला अवसर था जब दीनानाथ मंगेशकर को लता मंगेशकर के अंदर छुपी प्रतिभा का बोध हुआ। और अगले दिन सुबह 6 बजे दीनानाथ मंगेशकर ने अपनी बेटी लता को उठाया और कहा, तानपुरा लेकर बैठो। लता मंगेशकर बताती हैं, वो पहला दिन था जब बाबा ने उन्हें विधिवत संगीत की शिक्षा देना आरंभ किया। महमूद के पिता मुमताज अली रंगमंच के बहुत बड़े कलाकार थे, फिल्मों में भी अच्छे चले। मुमताज अली के 8 बच्चे थे, लेकिन घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अपने हर बच्चे की फरमाइश वो पलक झपकते ही पूरी कर देते। एक बार बेटे महमूद ने एक साइकिल की फरमाइश की, जिसे अब्बा ने तुरंत पूरा कर दिया। महमूद को अब्बा का दिया हुआ यह तोहफा, यह साइकिल बहुत अजीज थी। लेकिन मुमताज अली में बहुत सारी अच्छाइयों के साथ एक जबरदस्त ऐब भी था, जो धीरे धीरे अपना रंग चढ़ा रहा था, दिखा रहा था। और ये बुराई, ये ऐब था मुमताज अली की शराब पीने की आदत। पहले पहले तो लगता था कि बस शौक है, जब परेशानी होगी तो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उनका शौक कब लत बन के उनकी मजबूरी बन गया, वो कब अल्कोहलिक बन गए, किसी को पता भी नहीं चला। इस बुरी आदत के कारण पहले तो उन्हें फिल्मों से निकाला जाने लगा, फिर काम तक मिलना बंद हो गया और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि वो शराब पीने के लिए घर के सामान बेचने लगे। लेकिन शराब फिर भी नहीं छोड़ी जा सकी। फिर वो दिन आया जब मुमताज अली की नजर उस साइकिल पर पड़ी जिसे बड़े प्यार से वो अपने बेटे महमूद के लिए खरीद कर लाए थे। महमूद को ये साइकिल बहुत प्रिय थी।
वो किसी कीमत पर अपनी साइकिल को नहीं देना चाहते थे, लेकिन शराबी बाप ने उसका सौदा कर दिया था। बाप जब साइकिल लेने के लिए आए तो महमूद ने पिता से लाख गुहार की, पर कोई असर ना हुआ। जब महमूद को कुछ और ना सूझा तो महमूद ने अपनी साइकिल को जोर से पकड़ लिया ताकि पिता उसे लेकर ना जा सकें, लेकिन पिता पर तो शराब का भूत सवार था। मुमताज अली ने साइकिल को घसीटना शुरू कर दिया, साइकिल के साथ बालक महमूद भी घसीटने लगा। थोड़ी ही देर में महमूद को यकीन हो गया कि आज जिससे वो जिद कर रहा है वो उसका अब्बा नहीं बल्कि एक शराबी है। आखिरकार बेटे की जिद हार गई और शराबी बाप जीत गया। बाद के दिनों में महमूद ने ढेर सारी कारें खरीदी, लेकिन उस साइकिल के जाने की टीस उनके मन से कभी न जा सकी। इस बात का जिक्र भरी आंखों के साथ उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया था। हेलो हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम श्री भाई जाट है। जी जी, मैं गांव बठिंडा जिला जोधपुर से बात कर रहा हूँ। जोधपुर से? अच्छा अच्छा जी जी, बोलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। दाता से प्रणाम, चरण स्पर्श। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज। मुझे भी खुशी है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जोधपुर के जितने भी आपके मित्र हैं, जोधपुर वासी हैं, सबको मेरे प्रणाम स्वीकार हूँ। प्रणाम स्वीकार। आप जोधपुर वासी, आप इंतजार है कब आप अन्न कपूर जी हमारे पांव धरते कदम रखें? नहीं, प्लान तो कुछ हो रहा है। मैं बड़ा समय हो गया है मुझे जोधपुर आए हुए, काफी साल हो गए। मैं भी मचल रहा हूँ जोधपुर आने के लिए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हम आपकी राह देख रहे हैं। जी जी जी, जोधपुर वासी आपकी राह देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आतुर हूँ वहाँ आने के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत आभारी हूँ श्री भाई। जोधपुर वासियों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को मेरे नमस्कार कहिएगा। नमस्कार नमस्कार। पेश खिदमत है हमारा ये सेगमेंट जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। याद करेंगे मशहूर सिनेमाटोग्राफर डायरेक्टर गोविंद नहलानी को। गोविंद नहलानी का जन्म 19 दिसंबर 1940 में कराची के एक सिंधी परिवार में हुआ। विभाजन के कारण परिवार को भारत आना पड़ा। आरंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट बैंगलोर से सिनेमाटोग्राफी का कोर्स किया। इसके बाद गोविंद नहलानी ने प्रसिद्ध कैमरामैन वी के मूर्ति को असिस्ट करना शुरू कर दिया। फिल्म अंकुर से गोविंद नहलानी को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने श्याम बेनेगल की कुछ और फिल्मों को शूट किया, जैसे निशांत, मंथन, भूमिका, जुनून इत्यादि। फिल्म जुनून के लिए इन्हें बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1980 में गोविंद नहलानी ने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की, आक्रोश। इस फिल्म के लिए गोविंद नहलानी को बेस्ट डायरेक्टर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। आक्रोश दर्शकों के बीच अपना स्थान नहीं बना पाई। गोविंद नहलानी को असली पहचान मिली उनकी अगली फिल्म अर्धसत्य से। मील का पत्थर साबित हुई यह फिल्म, जिसे सबने सराहा। इस फिल्म के लिए भी गोविंद नहलानी को बेस्ट डायरेक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म दृष्टि और 1084 की मां के लिए भी गोविंद नहलानी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल हुए। इसी अंतराल में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के सेकेंड यूनिट के डायरेक्टर भी रहे। भीष्म साहनी के उपन्यास पर आधारित तमस नाम की एक टेलीविजन सीरीज भी इन्होंने सफलतापूर्वक बनाई, जहां विभाजन में हुई दुर्गति का मार्मिक चित्रण किया गया था। गोविंद नहलानी के इस प्रयास के लिए इन्हें राष्ट्रीय एकता पर बने बेस्ट फीचर फिल्म के नरगिस दत्त अवार्ड से सम्मानित किया गया। और भी न जाने कितने अवार्ड हासिल हुए, बड़े ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं, मैंने भी इनके साथ काम किया है। 75 वर्ष की आयु में गोविंद नहलानी आज भी सार्थक फिल्में बनाने की कवायद में जुटे हैं। उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, रीमेड इन इंडिया। मॉस एक जाबाज पुलिस ऑफिसर है जो पार्टी क्रशर नाम के एक सीरियल किलर के केस पर काम कर रहा है। मॉस एक बहुत ही ईमानदार और काम के प्रति समर्पित व्यक्ति है, जिसके कारण उसकी छवि पब्लिक में एक हीरो के जैसी है। दूसरी तरफ निक नाम का एक फिल्म स्टार है जो मॉस से बहुत प्रभावित है और अब वो एक फिल्म में मॉस जैसा पुलिस ऑफिसर का रोल करना चाहता है। इस रोल की तैयारी के लिए वो अधिक से अधिक समय मॉस के साथ रहना चाहता है, जिसकी अनुमति उसे मिल जाती है। मॉस को खतरनाक पार्टी क्रैशर केस से हटा दिया जाता है ताकि फिल्म स्टार निक को किसी भी तरह का खतरा ना रहे। मॉस अनऑफिशियली
इस केस पर काम करने का फैसला करता है, मगर निक उसके लिए एक बाधा है। इसलिए अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक नाटक रचता है जिसमें निक के हाथों किसी का खून हो जाता है। मॉस निक से कहता है कि फिक्र मत करो, वो सब संभाल लेगा, वो बस यहां से बहुत दूर चला जाए। तो निक वहां से भागता है। एयरपोर्ट जाते हुए उसका इरादा बदल जाता है और वो अपना गुनाह कबूल करने का फैसला कर लेता है। गुनाह कबूल करने जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो वहां पहुंचकर उसे असलियत का पता पड़ता है। असलियत जानने के बाद निक मॉस को पागलों की तरह ढूंढने लगता है ताकि उससे बदला ले सके इस झूठ का। मॉस को ढूंढते हुए निक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां मॉस और पार्टी क्रैशर का कन्फ्रंटेशन हो रहा होता है। निक अनजाने में मॉस की जान बचा लेता है। रियलाइज करने पर मॉस अपनी गलती को स्वीकार करता है और यहीं से दोनों साथ काम करने का फैसला करते हैं। आगे निक अपना फिल्मी दिमाग लगाकर मॉस को एक प्लान बताता है। मॉस का प्लान सक्सेसफुल रहता है और मॉस पार्टी क्रैशर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद निक अपनी फिल्म में भी मॉस के रोल को पर्दे पर निभाता है। यही फिल्म जब हिंदी में बनी तब मॉस और निक की भूमिका में थे अक्षय कुमार और सैफ अली खान, और पार्टी क्रैशर की भूमिका को निभाया था शक्ति कपूर ने। फिल्म में म्यूजिक था अनु मलिक का, निर्माता थे चंपक जैन, निर्देशक थे समीर मालकन और फिल्म का नाम था मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। शिमला से ललित सिंह पोखरिया ने पूछा है कि क्या किशोर कुमार ने सनी देओल के लिए भी प्लेबैक किया है। जी हाँ ललित सिंह जी, किशोर कुमार ने सनी देओल के लिए गाए हैं गाने। पहला गीत जो जहन में आ रहा है वो है समंदर फिल्म का, और गीत के बोल हैं ए सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो। इसी फिल्म का एक और गीत है ये कोरी करारी कमारी नजर मार डालेगी जालिम तुम्हारी नजर। इस फिल्म के कुछ और भी गीत हैं जो किशोर कुमार ने सनी देओल के लिए गाए हैं। एक और फिल्म है जिसका नाम है पाप की दुनिया, एक गीत याद आ रहा है चोरी चोरी यूं जब हों आंखें चार क्या होता है, दीवाना दिल जब धड़के पहली बार क्या होता है। और भी कुछ गीत हैं जो किशोर कुमार ने सनी देओल के लिए गाए हैं। उम्मीद है आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। बस आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।